हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बॉयल्ड राइस की रेसिपी, दाल की रेसिपी और भरवा करेले की रेसिपी। ये एक बिल्कुल ही सिंपल सा खाना हो गया, बिल्कुल ही हल्का फुल्का सा खाना हुआ। असल में आ रखे हैं मेरे घर में मेरी बुआ सास हैं और मेरी ननद। दो दिन उन्हें यहाँ हो चुके हैं, तो हैवी खाना खा लेने के बाद उन लोगों का मन था कि अब कुछ हल्का खाया जाए। तो बस वो सभी जने गए थे शॉपिंग करने और मैं लग गई थी दिन के खाने की तैयारी में। यहाँ मैंने ये करेले लिए हैं, इसे मैंने छील कर पानी में उबाल कर रख दिया था एक डब्बे में डालकर, ताकि जब मुझे बनाना हो तब ज़्यादा समय ना लगे। तो यहाँ मैंने इन करेले में से बीज भी निकाल दिए हैं। देखिए, सारे बीज मैंने निकाल दिए हैं और इसका मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ लिए हैं प्याज, लहसुन और हरी मिर्च, जो कि मैंने चॉपर में थोड़ा थोड़ा सा चॉप कर दिया है। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक, बिल्कुल बेसिक मसाले डाल रही हूँ। इसी के साथ अमचूर पाउडर भी मैं यहाँ डाल रही हूँ। असल में पहले मैं ये वीडियो नहीं शेयर कर रही थी, नहीं रिकॉर्ड कर रही थी, पर फिर सोचा आज इतना अच्छा सा खाना बन रहा है जो कि सबका पसंदीदा है, तो फिर क्यों ना वीडियो रिकॉर्ड किया जाए। तो बस मैं लग गई ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने में। अमचूर पाउडर या नींबू आप यहाँ कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ नींबू का इस्तेमाल किया है, अदरवाइज़ आप अमचूर भी डाल सकते हैं। ये सारे ही मसाले और नींबू डालकर चॉपर वापस बंद करके मैंने इसे एक बार से फिर से चॉप कर दिया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, इस तरीके से मैंने ये सारा मसाला जो चॉप करने की कोशिश की, लेकिन चॉपर चल ही नहीं रहा था, तो इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल दें अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो। पानी डालकर इसे अगर आप चॉप करेंगे तो ये बिल्कुल आसानी से चॉप हो जाएगा, उतना ही जैसा हमें चाहिए। देखिए, मैं ये आपको अच्छे से पूरा चॉप करके दिखा देती हूँ कि हमें कैसा पेस्ट चाहिए होगा। हमें इस तरीके का पेस्ट चाहिए होगा जो बिल्कुल पानी जैसा भी ना हो, पतला हल्का दरदरा सा हो। तो इन करेले के लिए मैंने डाल दिया कढ़ाई में तेल और थोड़ा सा जीरा डालकर, बिल्कुल दो तीन दाने डालकर जीरा, मैंने ये मसाला इसमें डाल दिया। अब इस मसाले को हमें हाई फ्लेम पर रखना है ताकि इसका पानी सूख जाए और तेल बाहर आ जाए। दाल मैंने पहले ही प्रेशर कुकर में रख रखी थी, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मैं यहाँ वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रही थी, पर जब खाना थोड़ा अच्छा था तो मेरा मन कर गया कि अब मुझे रिकॉर्ड ज़रूर करना चाहिए। दाल का प्रेशर भी खाली नहीं हुआ था, मैंने यहाँ मोकर दाल नमक डालकर बॉईल करने रख दी थी, पर अभी प्रेशर खाली नहीं था। और चावल, जो कि मैं बॉयल राइस बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ 2 से 2.5 कटोरी चावल भिगो कर रख दिए थे। आज एक बड़ा भगोना रखा है चावल बनाने के लिए, बॉयल राइस के लिए मैंने वो चावल का भगोना पूरा भर कर बॉयल करने रखा था। जब पानी में उबाल आ गया तो मैंने वो सारे चावल जो भिगो के रखे थे वो मैंने इस भगोनी में, जिसे हम सिपरा कहते हैं, उसमें डाल दिया। इसी के साथ मैं यहाँ डाल रही हूँ इसमें नमक। 2 से 2.5 कटोरी चावल मैंने एक बड़े भगोने में बनाए हैं, इसमें मैंने 3.5 चम्मच नमक डाला है। नमक बिल्कुल बराबर होगा, ज़्यादा नहीं होगा। बस इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, और मिक्स करने के बाद मैंने वहाँ दूसरे गैस पर करेले का जो मसाला रखा था उसे भी चलाना शुरू कर दिया है। मसाला बिल्कुल आपको हाई फ्लेम पर अच्छी तरह पकाना है, बिल्कुल पानी सूख जाना चाहिए मसाले का। देखिए, इसका पानी बिल्कुल ही सूख चुका है, चावल में भी उबाल आना शुरू हो गया है। जब चावल उबलने लगें तब इसमें साइड्स में थोड़ी थोड़ी सी झाग आएगी, वो झाग आपको हटा देनी है। ये झाग आप हटाते रहेंगे तो जो मैलापन होगा चावल का वो निकल जाएगा और चावल बिल्कुल साफ सुथरे खिले खिले से बनेंगे। तो करेले का मसाला मैं एक प्लेट में डालकर ठंडा कर रही हूँ। ये मसाला भून कर अगर आप करेले में फिल करके आप करेले बनाएंगे तो आपके करेले जो आप बनाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे। मेरे घर में इस तरह के करेले ही सबको बहुत पसंद आते हैं। तो दाल का प्रेशर जो मैंने रखा था वो खाली हो चुका है, इसे मैंने थोड़ा सा चलाकर देखा, पानी की खूब सारी ज़रूरत थी, पानी डाल दिया और इसे मैंने अच्छे से फेंटना शुरू किया। फेंटने के लिए मैंने यहाँ जिस चीज़ का इस्तेमाल किया है उस चीज़ को हम लोग कहते हैं मंदेड़ा। तो जो चीज़ों को हम जो कहते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे भगोने को हम लोग सिपरा कहते हैं और इस दाल मैल करने वाले को हम कहते हैं मंदेड़ा। आप लोग क्या कहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना।
तो इसे मैल करने के लिए मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया था। इससे थोड़ा ज़्यादा हमें मैल करना पड़ेगा, लेकिन दाल आप इसी से बनाएं मैल करके, कोई हैंड ग्राइंडर वगैरह नहीं चलाएं। इस तरीके से बनाएंगे ना दाल, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। देखिए थोड़ा ज़्यादा समय लगा, 2 से 5 मिनट ज़्यादा, पर बहुत अच्छी तरीके से दाल मैल हो जाती है। तो उसमें मैंने पानी डाल के दाल की कंसिस्टेंसी ऐसी रखी जैसी हमें चाहिए। तो फिर से थोड़ी सी झाग आ गई थी चावल के भगोने में, मैंने निकाल दिए। पानी थोड़ा गाढ़ा हो जाए आप समझ लीजिए चावल बन चुका है। आप चम्मच में निकाल कर देखेंगे कि चावल गला हुआ सा महसूस होगा उस पर एक। उसके बाद आप एक प्लेट जो कि बराबर नाप की हो उस भगोने की, वो रख कर कपड़े से पकड़ के पानी निकाल दीजिए। सारा पानी निकाल दिया है मैंने भी, और यहाँ भगोने को हिलाकर चावल सारे एक तरफ करके उसमें मैं डाल रही हूँ तेल। तो तेल आपको इसमें 2 चम्मच डालना है, 2 बड़े चम्मच, पूरे भरकर नहीं, थोड़े कम से। इस तरीके से आप एक बार चावल बना के देखिए, हमेशा से ज़्यादा खिले खिले और अच्छे चावल आपके बनकर तैयार होंगे। तो इसके बाद 5 मिनट का प्रोसेस ये रहता है कि बिल्कुल लो फ्लेम पे हम चावल को ढक्कन लगाकर रख देते हैं। जब तक मैंने चावल में से पानी निकाल रहा था, तब तक मम्मी जी ने यहाँ मसाला जो है करेले में फिल कर दिया। मसाला फिल कैसे करना है देखिए, मम्मी जी यहाँ मसाला फिल कर रहे हैं। इन छोटे छोटे कामों में मेरी मम्मा मेरी पूरी पूरी मदद करते हैं। देखिए इस तरीके से मसाला आप भर दीजिए। फिर उसी कढ़ाई में तेल डालकर हमें ये सारे करेले रखने हैं, और फ्लेम को मीडियम टू लो पे रखना है। थोड़ी थोड़ी देर में करेले पलटते रहने हैं ताकि जो मसाला हमने डाला है वो तो ऑलरेडी पका हुआ है, लेकिन करेले के ऊपर तली हुई सी स्किन आनी चाहिए, कलर करेले का चेंज होना चाहिए। तो बारी बारी से आप करेले पलटाते रहें। 5 मिनट में देखिए चावल बनकर तैयार है, खिले खिले से चावल। इसे मैंने गैस पर से उतार दिया है, और दाल भी जो मैंने मैल करी थी मैंने गैस पर चढ़ा दी है, उसे मैंने एक बार चला दिया है। अब करेले देखिए, आप पलटाएंगे ना फर्स्ट टाइम करेले, तब उनका कलर कुछ ऐसा होगा। तो 10 से 12 मिनट लगते हैं लो फ्लेम पर। आप ये करेले बारी बारी से पलटाते रहें, ये करेले बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। आप एक बार जैसा भी तरीके से करेले बनाते हो ना, उसे छोड़कर इस तरीके से करेले बनाइएगा, ये वाकई बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे आपके घर में। ख़ास करके जो बड़े बूढ़े होंगे उन लोगों को तो इस तरह की सब्ज़ियाँ बहुत ही पसंद है, ग्रेवी वाली सब्ज़ियाँ जो होती हैं खासकर। तो और ये जो करेले हैं ये भी बड़े बूढ़ों को बहुत पसंद आते हैं। तो और मैं राज की बात ये बता दूँ कि ये करेले मुझे भी बहुत पसंद है। तो आप इस तरीके से करेले बनाइएगा, बहुत ही अच्छे बनेंगे। बहुत ही बारीक बारीक से मैंने यहाँ टमाटर काट के रखा था, वो मैंने दाल में डाल दिया है और इसे एक बार चला दिया है। बीच बीच में करेले को आप ज़रूर ध्यान देते रहें, मीडियम टू लो फ्लेम पर है, पर ज़रूरत लगे तो पलटाते रहें। लगभग बनने वाले थे तो मैंने करेले की फ्लेम को कर दिया हाई। अब हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए रख के वापस फ्लेम को मैं लो करूँगी, ताकि थोड़ा थोड़ा सा कलर जल्दी जल्दी चेंज हो। तो दाल के लिए मैंने यहाँ रखी थी लहसुन थोड़ी सी बारीक चॉप करके, जिसे मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। थोड़ी सी लहसुन डालकर मैंने दाल को थोड़ा सा चला लिया। वापस से मैंने करेले को देखा, फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया था वापस। जो मसाला करेले में हमने भर दिया, उसके बाद जो मसाला आपका बचा हो वो सारा आप उस कढ़ाई में डाल दें। मसाला पका हुआ है, अब ज़्यादा देर गैस पर रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है हमें, बिल्कुल लो फ्लेम पर। नींबू डाल दें ऊपर से थोड़ा सा, और सूखे मसालों में लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, ये तीनों थोड़ा थोड़ा सा मसाला ऊपर से वापस डालें। उसे अच्छे से मिक्स करें बिल्कुल लो फ्लेम पर ही। बस लगभग इसका पानी जो भी होगा थोड़ा बहुत भी सारा सूख जाएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनकर तैयार होंगे। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 मिनट और रहने दें, और तब तक एक बार दाल देख लेती हूँ चलाकर। तो अब दाल में मुझे पानी की ज़रूरत है, लेकिन मुझे ये जो प्रेशर कुकर है ये छोटा पड़ रहा है, पानी डालना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसे दूसरे भगोने में शिफ्ट कर दिया। थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसमें धनिया पत्ती डाली, और फिर एक बघार के लिए तैयार किया छोटा सा बघारी, इसे हम वदनी कहते हैं। तो लहसुन जो 1 पार्ट मैंने लहसुन का रखा था, थोड़ी सी लहसुन, जीरा और राई, इसी के साथ हींग और लाल मिर्च पाउडर भी मैंने इस वदनी में डालकर दाल को बघार लगा दी। इस बघारी को हम लोग वदनी कहते हैं, आप इसे क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। बस ढक्कन लगा दिया है,
तो करेले भी बिल्कुल बनकर तैयार हैं, चावल बनकर तैयार है और दाल भी बढ़िया से बनकर तैयार है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय दोस्तों।